हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि इसराइल आने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। जब मैं पहले इसराइल आई थी, मतलब 2 ईयर्स पहले की बात है, तब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो था क्लास 10 पास। तो अभी जो है चेंज होके क्लास 8 पास हो गया है कि अगर आप सिर्फ क्लास 8 पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसराइल में फॉर के गिवर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन का मुझे उतना पता नहीं है कि क्वालिफिकेशन क्या है, बट केयर गिवर का क्लास 8 पास है अभी सिर्फ और सिर्फ। एंड क्योंकि जब मैंने मैं अपना बताती हूँ कि जब मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास तो वैसे ग्रेजुएशन की डिग्री है, एंड जब मैंने अप्लाई किया था तब मुझे एजेंट ने बोला था कि ग्रेजुएशन की देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो तो वहाँ पे एम्बेसी पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपने क्यों ये सेक्टर चूज किया, केयर गिवर सेक्टर क्यों चूज किया, आप क्यों इसराइल आना चाहते हो, इतना पढ़ लिख के क्यों आना चाहते हो, ये सारी चीजों का आपको फेस करना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है तो वो आप ना ही दो तो बेटर है। मैंने क्लास 12 की दी थी क्योंकि वहां पे 10 था, क्लास 10 था जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने क्लास 12 की दी थी तब सर्टिफिकेट। तब भी मुझे क्वेश्चन पूछा था, वैसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था एम्बेसी में। तो मैं वही बोलूंगी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर वो, तो सबमिट ना ही करो क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब अप्लाई क्यों नहीं की, आप क्यों आना चाहते हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसकी वजह से आप ना दो तो बेटर है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अभी जो क्लास 8 पास है, जैसे कि हमें जैसे कि हमें जो है क्लास 12 पास आउट होने के बाद मार्कशीट मिलती है एंड पासिंग सर्टिफिकेट मिलती है, वो तो सबको मिलती होगी सभी बोर्ड से, CBSE, ICSE और फिर जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से है या फिर अगर आप मुंबई के बोर्ड से हो, कुछ भी कोई भी बोर्ड से हो, अपने अपने स्टेट के बोर्ड से हो, कर्नाटका बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड हो गया, सबका अपना अपना बोर्ड होता है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलती है वो यूनिवर्सिटी से मिलती है, कॉलेज की जो मुझे मिली थी NVU से मिली थी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से मिली थी, तो वैसा होता है। एंड अगर आपको क्लास 10 की सर्टिफिकेट भी मिलती है तो वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से मिलती है एंड वो आती है स्कूल में एंड स्कूल के थ्रू आपको मिलती है। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि क्लास 8 के सर्टिफिकेट कैसे जमा करें, क्योंकि क्लास 8 का तो सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट होता है कि आप प्रमोटेड हो गए हो क्लास 9 में, सिर्फ वो वाला सर्टिफिकेट होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि स्कूल का सर्टिफिकेट और एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मिलता है कि हाँ कि यू आर यू हैव बीन इन दिस स्कूल, आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है कि क्योंकि क्लास 8 के बाद अगर आपने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किए, अभी के जेनरेशन में तो कम ही मिलते हैं ऐसे लोग, लेकिन जब यहाँ पे मैंने बोला पहले कि यहाँ पे एज जितना बड़ा हो उतना अच्छा है यहाँ पे केयर गिवर सेक्टर के लिए, कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपका वीजा भी जल्दी लग जाता है। तो अंकल आंटी के टाइम पे जब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ाई की या फिर उनका बोर्ड एग्जाम तक वो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में क्लास 10 पास मैट्रिक पास बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हुआ करता था, तो अभी के जमाने में उसका इतना वैल्यू नहीं है, बट पहले के जमाने में बहुत ज्यादा वैल्यू था। तो अंकल आंटियां जो है, अगर उन्होंने अपना डिग्री जो भी है क्लास 10 का एग्जाम पास नहीं किया है, तो अभी वो लोग इजीली आ सकते हैं जस्ट क्लास 8 का सर्टिफिकेट से। तो उन लोगों के लिए इजी हो गया क्योंकि पहले 10 था, अभी 8 हो गया, क्योंकि जो 10 पास नहीं होते थे वो लोग तो अप्लाई भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके साथ आपको एक स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि क्लास 8 का सर्टिफिकेट में तो सिर्फ आप प्रमोटेड टू क्लास 9 होगा या फिर प्रमोटेड टू क्लास 9 होगा या फिर ट्रांसफर लिया हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा। तो इसकी वजह से आपको चाहिए होगा वो सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से कि हाँ ये जो भी है जिस भी नाम से उसने ये स्कूल से पढ़ाई की थी एंड वो क्लास 8 पास है, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको सिर्फ स्कूल से मिल सकता है, यूनिवर्सिटी से नहीं। क्योंकि अगर आप क्लास 10 और 12 पास हो तो जैसे कि हम लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होता है क्लास 8 की सर्टिफिकेट पे। क्लास 8 की सर्टिफिकेट पे सिर्फ आपको स्कूल का ही मिलेगा एंड स्कूल से ही आपको जो भी है स्कूल से ही करना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ था तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं आप लोगों के साथ में कि क्लास 8 पास
मतलब क्लास 8 पास भी एक क्राइटेरिया बन गया है, अभी 10 पास की जरूरत नहीं है। तो वो लोग आ रहे हैं जो क्लास 8 पास है, सिर्फ वो लोग आ रहे हैं। तो ये न्यूज उनके लिए अच्छी रहेगी जो कि मतलब अप्लाई करना चाहते थे बट उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब तो क्वालिफिकेशन घट के 8 हो गई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट वही चीज ध्यान में रखना, अगर आपके पास क्लास 8 की सर्टिफिकेट है, अब पहले के जमाने में कैसी होती थी मुझे तो नहीं पता, मतलब पहले के जमाने में होती होगी, मार्क्सशीट वगैरह देती होगी, उतना तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोगों के टाइम में बस एक रिजल्ट मिलता था जहाँ पे लिखा होता था कि यू आर प्रमोटेड टू क्लास 9, तो वैसा मिलता था। अगर आपके पास वो रिजल्ट है कि हाँ यू आर प्रमोटेड टू क्लास 9 वो वाला रिजल्ट, और आपके स्कूल से सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ आप ये स्कूल में पढ़े हो, एंड ये स्कूल लाइक वेरीफाई करता है कि यू वेर द स्टूडेंट, क्योंकि क्लास हम लोगों के टाइम पे क्लास 9 पे रजिस्ट्रेशन होता था अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो क्लास 8 मतलब आईसीएसई में, शायद आईसीसी का मुझे नहीं पता, वेस्ट बंगाल बोर्ड में ऐसा होता था कि आपको अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो 9 में ही आपका सब कुछ हो जाता है, क्लास 9 में। तो अगर आपने क्लास 9 भी पास नहीं की है, सिर्फ क्लास 8 तक ही आपने पढ़ाई की, तो भी चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप क्लास 9 मतलब लाइक आप 9 में फेल हो गए हो, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कोई 9 में फेल हो गया और फिर वो 10 तक पहुंचा ही नहीं, एंड फिर एग्जाम देने के लाइक उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोर्ड एग्जाम दे। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब लाइक अभी मैटर नहीं करती है, वो सिर्फ ये मैटर करती है कि आप क्लास 8 पास हो। तो क्लास 8 पास के लोग भी अभी आ रहे हैं, तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अभी लाइक रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चेंजेस आए होंगे उसमें, क्योंकि मैंने जब अपडेट किया था वो लास्ट ईयर अपडेट किया था अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स अभी जो है वो अभी एक मतलब अपार्टमेंट में कुछ नए न्यू कमर्स आए हुए हैं, तो मैं उनसे पूछिए डॉक्यूमेंट्स का आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी सब कुछ चेंज हो गया है एंड क्राइटेरिया तो चेंज हो गया है, वो तो मैंने पहले बता दिया क्लास 8 का हो गया है। तो और बाकी चीजें भी चेंजेस हुई है, जैसे कि पहले तो हम लोग के टाइम में मेडिकल होने के बाद इंटरव्यू होता था या फिर ऐसा कुछ होता था, लेकिन अभी सारे के सारे चीजें चेंज हो गई है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या हुआ है, वो मैं पूछ के बता दूंगी, क्योंकि ऐसे रैंडमली नहीं बता सकती हूँ। बस इतना मुझे पता, मतलब लाइक इतना मुझे पता चल गया है कि क्लास 8 पास अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्लास 8 पास लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी का पढ़ाई छूट गया, मतलब हम लोगों के भी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, या फिर उन लोगों का पढ़ाई बीच में छूट गया, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही था गुड न्यूज, तो आप सब जो क्लास 8 पास है वो लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर क्लास 10 भी पास हो तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट सबमिट करके आप अप्लाई कर सकते हो। बट आई सजेस्ट, पहले तो हमें सजेस्ट करने वाला कोई नहीं था, बट अभी आई सजेस्ट कि आप हायर क्वालिफाइड हो तो वो क्वालिफिकेशन डिग्री आप सबमिट ना करो जितना हो सके, क्योंकि अभी क्लास 8 हो गया ना, तो आप क्लास 10 की दे दो, क्लास 12 की दे दो, वो सारी डिग्रीज दे दो। बट क्लास लाइक फर्दर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी ना दो तो ही बेटर है। तो दिस वॉज ऑल एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शायद डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक ब्लॉग बना के डालूंगी कि अभी का फ्रेश 2024 का क्या क्राइटेरिया एंड कैसे कुछ होता है। तो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।